हेलो बच्चों, हेलो बच्चों, बच्चों आज हम पढ़ेंगे रोटेशन में लेक्चर नंबर 6 और आज का हमारा टॉपिक है रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये बहुत बढ़िया टॉपिक है। अब आप कहेंगे सर काइनेटिक एनर्जी तो हम बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या चीज है। ठीक है, तो आज बिल्कुल इसकी फील लेंगे, देखते हैं इस लेक्चर में कि हम किस तरीके से रोटेशनल काइनेटिक को पढ़ते हैं। तो इस चीज को पढ़ने के लिए मैं आपको एक एग्जांपल से समझाना चाहूंगा। हम शुरू करेंगे एक एग्जांपल के साथ। ठीक है बच्चों, तो आइए स्टार्ट करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं। तो हमने माना कि ये हमारा एक इंक्लाइंड प्लेन है, इसका इंक्लिनेशन एंगल थीटा है और यहां पर हमारे पास है एक राउंड ऑब्जेक्ट। ठीक है, इस राउंड ऑब्जेक्ट का मास m है, रेडियस r है एंड मूवमेंट ऑफ इनर्शिया है इसका जेड एम आर स्क्वायर। ठीक है, मूवमेंट ऑफ इनर्शिया से कितना बेटा, जेड एम आर स्क्वायर के बराबर है। ठीक है बच्चों, अब ये जेड क्या होता है? तो जेड बेटा मैंने लास्ट क्लास में डिफाइन किया था, अगर हम मूवमेंट ऑफ इनर्शिया को इस तरीके से लिख देते हैं तो अलग अलग ऑब्जेक्ट्स के लिए जेड की अलग अलग वैल्यू को हमें बस याद करना है तो हमें हर ऑब्जेक्ट के लिए फॉर्मूला हमारा तैयार हो जाता है। तो क्या वैल्यूज होती हैं? पहले मैं आपको साइड में वैल्यू लिख के दिखा देता हूं बेटा। तो बेटा रिंग हो या हॉलो स्फीयर हो, हॉलो सिलेंडर हो, इन दोनों केस के अंदर जेड की वैल्यू बेटा होती है 1। ठीक है, क्योंकि ये होता है 1 एम आर स्क्वायर, मतलब एम आर स्क्वायर ही होता है रिंग का या सिलेंडर का, तो वो 1 एम आर स्क्वायर मतलब जेड की वैल्यू 1 आ गई। अगर हम डिस्क लें या बेटा सॉलिड सिलेंडर लें, एक ही बात है, तो बेटा जेड की वैल्यू होती है 1/2, क्योंकि मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है बेटा एम आर स्क्वायर बाय 2। ठीक है, अगर हम होलो स्फीयर की बात करते हैं तो बेटा उसका मूवमेंट रेशियो होता है 2/3 एम आर स्क्वायर, दैट मींस जेड की वैल्यू होगी 2/3। अगर सॉलिड हेमिस्फीयर की बात, सॉलिड स्फीयर की बात की जाए तो बेटा सॉलिड स्फीयर का मूवमेंट रेशियो होता है 2/5 एम आर स्क्वायर, तो जेड की वैल्यू होगी बेटा 2/5। तो बहुत सिंपल है बेटा, याद करना, हमने कहा कि जो भी राउंड ऑब्जेक्ट होगा उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया समथिंग इनटू एम आर स्क्वायर एंड दैट समथिंग इज नाउ जेड। तो अगर आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला याद है राउंड ऑब्जेक्ट्स के लिए तो आपको जेड की वैल्यू भी ऑटोमेटिकली याद है। फिर मैंने आपको कहा था भाई जेड का ना रेडियस ऑफ गायरेशन के साथ एक रिलेशन होता है। अब रेडियस ऑफ गायरेशन भी मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था, आप प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, हमने एक लेक्चर लिया है जिसका नाम है रोटेशनल डायनामिक्स, आप उसमें जाकर देखेंगे तो मैंने रेडियस ऑफ गायरेशन के बारे में भी आपको समझा रखा है। एंड जेड की जो वैल्यू होती है बेटा वो के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर होती है, जहां पर के बेटा रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। के क्या होता है? रेडियस ऑफ गायरेशन होता है। के इज अ रेडियस ऑफ गायरेशन। ठीक है, तो जेड की वैल्यू आ गई हमारे पास के स्क्वायर बाय आर स्क्वायर, के इज अ रेडियस ऑफ गायरेशन। राइट, अब हमारे पास ये राउंड ऑब्जेक्ट है और इस राउंड ऑब्जेक्ट को हम यहां से छोड़ देते हैं। ठीक है, तो ये राउंड ऑब्जेक्ट नीचे आएगा और घूमेगा भी। हम कह रहे हैं कि जो सर्फेस है ना बेटा, ये रफ सर्फेस है एंड इज रफ इनफ ताकि ये प्योर रोलिंग करे, इज रफ इनफ ताकि ये प्योर रोलिंग करे। ठीक है ना, अगर देखें इसमें तो जो ग्रेविटी है उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट इधर होगा और एक कंपोनेंट इधर होगा बेटा। ये कंपोनेंट होगा mg sin थीटा और ये कंपोनेंट होगा बेटा mg cos थीटा। दिस इज गोइंग टू बी mg cos थीटा एंड दिस इज गोइंग टू बी mg sin थीटा। ठीक है, एंड देयर इज गोइंग टू बी अ फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन इट। व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन? तो बेटा फ्रिक्शन की डायरेक्शन निकालने के लिए हमें पहले मानना पड़ता है कि यहां पर कोई फ्रिक्शन है नहीं। अगर यहां पे कोई फ्रिक्शन नहीं होगा तो ये राउंड ऑब्जेक्ट बिल्कुल सीधा ऐसे ऐसे चलेगा। अगर ये राउंड ऑब्जेक्ट सीधा ऐसे चलता है, ठीक है, तो इसके ऊपर लगने वाला फ्रिक्शन पीछे की तरफ इस तरीके से फ्रिक्शन लगता है। ठीक है ना, और अगर यहां पर हम एक्सेलरेशन देखते हैं तो बेटा हम कहेंगे इसके सेंटर ऑफ मास की एक्सेलरेशन नीचे की तरफ होगी ACM और इसके पास एक एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होगा। अब रफ इनफ है और प्योर रोलिंग हो रही है, रफ इनफ है और प्योर रोलिंग हो रही है, तो अगर प्योर रोलिंग हो रही है यहां पर तो हम यहां पे कह सकते हैं
एक तो इक्वेशन आपकी बन जाएगी दैट एसीएम बराबर आर अल्फा। तो मैंने आपको बताया था बेटा प्योर रोलिंग जब भी होती है फिक्स ग्राउंड पे तो आप एसीएम इक्वल्स टू आर अल्फा को बोल सकते हो, ठीक है ना। और अगर हम बात करें यहां पर अगले इक्वेशन की तो बेटा अगली इक्वेशन होती है नेट फोर्स इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन, एफ इक्वल्स टू एम ए, एफ इक्वल्स टू एम ए। तो व्हाट इज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन दिस ऑब्जेक्ट बेटा, तो बेटा नीचे की तरफ लग रहा है mg sin थीटा, ऊपर की तरफ लग रहा है फ्रिक्शन फोर्स। तो हम बोलेंगे बेटा mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स, mg sin थीटा माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल्स टू m इनटू acm, m इनटू acm, ठीक है ना। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 बन गई। अब थर्ड इक्वेशन हम क्या बनाएंगे बेटा, तो थर्ड इक्वेशन हम इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट टॉर्क लिखेंगे, सेंटर ऑफ मास के अबाउट बेटा हम टॉर्क लिखेंगे। तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट जब टॉर्क लिखने जाएंगे तो इस फ्रिक्शन का जो टॉर्क आएगा, क्योंकि बाकी तो mg का कोई टॉर्क है नहीं, नॉर्मल ऐसे लग रहा है, नॉर्मल का भी कोई टॉर्क नहीं है बेटा, ठीक है ना, केवल फ्रिक्शन का टॉर्क आ रहा है। तो हम क्या लिखेंगे f into r, हम लिखेंगे बेटा f into r is equals to i into alpha। तो what is i, i is zmr square into alpha, right? तो एक r से एक r कट रहा है और r alpha की वैल्यू acm आ रही है, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो f भी कट जाएगा, हमें क्या मिलेगा, हमें मिलेगा बेटा mg sin theta is equals to macm plus zmacm, because r alpha भी तो acm ही हो गया। तो यहां से अगर हम सॉल्व करें और acm की वैल्यू को कैलकुलेट करें तो बेटा देखो पहली बात तो आप यहां पर देखो सारे m मैंने छोटे ले लिए हैं, ठीक है। तो अगर यहां पर एक चीज देखो तो ये m m और m कट रहा है और acm की वैल्यू मिल रही है g sin theta डिवाइड बाय 1 प्लस z के बराबर। अब इस फॉर्मूले को आपको अच्छे से देख लेना है और समझ लेना है, ठीक है, कि एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास इज g sin theta डिवाइड बाय 1 प्लस z। क्लियरली जिसका जेड छोटा होगा उसका एक्सेलरेशन बड़ा होगा, जिसका जेड छोटा होगा उसका एक्सेलरेशन बेटा बड़ा होगा, जेड छोटा एक्सेलरेशन बड़ा, जेड छोटा एक्सेलरेशन बड़ा, ठीक है ना बेटा। अच्छा जी, जेड किससे कितने हैं आपके सामने लिखे हुए हैं। तो यहां पर अब मैं आपसे बेटा एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन बेटा इस तरीके से है कि हमारे पास ये एक इंक्लाइंड प्लेन है बेटा, ठीक है ना, ये एक इंक्लाइंड प्लेन है, 3D में एकदम इमेजिन हो गया बेटा आपको, इंक्लाइंड प्लेन है हमारे पास, ये इस तरीके से है इंक्लाइंड प्लेन, ठीक है, थोड़ा 3D में दिखाया मैंने आपको इसको बस। और हमारे पास चार ऑब्जेक्ट्स हैं, चार राउंड ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं बेटा, एक तो बेटा आपके पास रिंग है, एक आपके पास बेटा डिस्क है, एक आपके पास बेटा होलो स्फीयर है और एक बेटा सॉलिड स्फीयर है। आपके पास चार चार ये ऑब्जेक्ट्स हैं, इनको आपने छोड़ दिया, इनको आपने यहां से छोड़ दिया, ठीक है ना। तो आपको बताना है इन चारों को, इन चारों के बारे में आपको क्या बताना, देखो आपको बताना है आपको इन चारों ऑब्जेक्ट्स को जमीन पर पहुंचने के क्रमांक में सजाना है, आपको इन चारों ऑब्जेक्ट्स को जमीन पर पहुंचने के क्रमांक में सजाना है। मतलब जमीन पर जो पहले पहुंच रहा है, जमीन पर जो पहले पहुंच रहा है उसे पहले लिखना है, ठीक है ना। यू हैव टू अरेंज दीज ऑब्जेक्ट्स इन देयर ऑर्डर ऑफ रीचिंग द ग्राउंड, ग्राउंड पर पहुंचने के ऑर्डर में आपको इसको लिखना है। तो फटाफट बेटा इसको सॉल्व करिए और अपने आंसर को कमेंट में लिख दीजिए। तब तक मैं आपका क्वेश्चन आपके सामने लिख रहा हूं, अरेंज द ऑब्जेक्ट्स इन द ऑर्डर ऑफ देयर रीचिंग द ग्राउंड, ठीक है। तो जो पहले पहुंच रहा है उसे पहले लिखना है, ठीक है। तो आई होप अब तक आप लोगों ने कमेंट में अपने आंसर लिख डाले होंगे, ठीक है। तो अब देखते हैं सही आंसर क्या है, ठीक है। तो मैंने कहा कि देखो जो एक्सेलरेशन है इनके चलने की, जो एक्सेलरेशन है बेटा उसका फॉर्मूला है mg sin थीटा, इनफैक्ट m भी नहीं है, g sin थीटा डिवाइड बाय 1 प्लस z। तो जिसका z छोटा है उसका a बड़ा है। अगर z की बात की जाए बेटा, z की अगर बात की जाए तो रिंग का z बेटा 1 होता है, डिस्क का बेटा 1/2 होता है, होलो स्फीयर का 2/3 होता है, सॉलिड स्फीयर का 2/5 होता है, ठीक है। तो डिस्क का 1/2 मतलब 0.5,
होलोस्फीयर का मतलब 2/3 मतलब 0.67, सॉलिड स्फीयर 2/5 मतलब 0.4। तो Z सबसे कम किसका है? तो Z सबसे कम है बेटा सॉलिड स्फीयर का। तो सबसे ज्यादा एक्सेलरेशन किसकी होगी? सॉलिड स्फीयर की। तो सबसे पहले कौन पहुंचेगा? सॉलिड स्फीयर। सो यू विल राइट सॉलिड स्फीयर विल रीच फर्स्ट, उसके बाद डिस्क पहुंचेगी 0.5 के साथ, डिस्क पहुंचेगी, उसके बाद होलोस्फीयर आएगा, उसके बाद रिंग आएगी। ठीक है बेटा, ये आपके पास आने वाले हैं। इस तरीके से आपने इनको क्रमांक में सजा दिया, इनके जमीन में पहुंचने के क्रमांक में बेटा सजा दिया है, सॉलिड स्फीयर, डिस्क, ठीक है ना, होलोस्फीयर एंड द रिंग, इस तरीके से आपने लिख दिया। ठीक है ना, आप जड़ को देख के बता पा रहे हैं। ठीक है, तो अब क्या है, अभी आपको लग रहा होगा सर हम तो यहां पे काइनेटिक एनर्जी पढ़ने वाले थे, आप तो वापस से हमें टॉर्क में ले गए, फोर्स में ले गए, वो सब बातें करने लग गए जो आपने लास्ट क्लास में करी, तो सर ये सब क्या हो रहा है, हमें तो एनर्जी पढ़नी थी। तो बेटा पढ़ाएंगे, एनर्जी तक आएंगे, ठीक है ना, पहले आपको थोड़ा फंसाएंगे, तो जब तक आप फंसोगे नहीं तब तक आप सोचोगे नहीं, और जब तक आप सोचोगे नहीं तब तक आप सीखोगे नहीं। ठीक है ना बेटा, तो थोड़ा सा पहले फंसाने दो। ठीक है, चलो आइए, हमने कहा कि देखो इनके ग्राउंड पर पहुंचने के लिए सबसे ज्यादा एक्सलरेशन सॉलिड स्फीयर की है। अब अगला क्वेश्चन मेरा यह है कि जमीन पर सबसे तेज कौन पहुंचेगा, एक सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सबसे पहले कौन पहुंचेगा, सॉलिड स्फीयर, सबसे फास्ट तेज, मतलब तेज गति के साथ, ठीक ना, किसकी स्पीड मैक्सिमम होगी जब वो ग्राउंड पर पहुंचेगा, विच वन ऑफ देम विल हैव द मैक्सिमम स्पीड व्हेन इट रीचेस द ग्राउंड। फटाफट बेटा पॉज करके आप अपना आंसर लिख दीजिए। ठीक है, मैं काउंटिंग कर रहा हूं बेटा आपके लिए, टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव। ठीक है बेटा, ओके, तो हमने अगला क्वेश्चन आपको यह दिया कि भैया ग्राउंड पर सबसे फास्ट, सबसे तेज गति के साथ, सबसे ज्यादा स्पीड के साथ कौन से वाला ऑब्जेक्ट पहुंचने वाला है। तो यस, आपने बिल्कुल सही गेस किया, बिल्कुल सही आंसर दिया, गेस तो नहीं बोला, सब बिल्कुल सही आंसर दिया। क्या आंसर बेटा? जिसकी एक्सेलरेशन सबसे ज्यादा होगी वो सबसे तेज पहुंचेगा। ठीक है ना, मतलब सॉलिड स्फीयर का स्पीड भी क्या पड़ेगा, मैक्सिमम होगा। तो वेलोसिटी ऑफ सॉलिड स्फीयर विल बी ग्रेटेस्ट, विल बी मैक्सिमम, ग्राउंड में पहुंचने पे तो जो सबसे तेज चल रहा होगा वो सबसे पहले पहुंचेगा, ऑब्वियसली बात है, जो धीरे चल रहा होगा पहले पहुंच जाएगा, पहले जो पहुंचेगा ऑब्वियसली उसकी स्पीड क्या होगी बेटा, मैक्सिमम होगी, ज्यादा होगी। ठीक है ना, अच्छा भाई अब आगे बात करते हैं, ये तो हो गया, अब क्या कहें। अगला क्वेश्चन ये है बेटा कि इनमें जब ये ग्राउंड पे पहुंचेंगे तो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से कौन पहुंचेगा। मैंने कहा लेट अस से सबका मास इक्वल है, ऑल हैव इक्वल मासेस, ऑल हैव इक्वल मासेस, अगर सबका मास बराबर है, ठीक है ना, और जमीन पर सबसे ज्यादा स्पीड किसकी है बेटा, सॉलिड स्फीयर की है, तो ग्राउंड पर पहुंचने पर सबसे ज्यादा रफ्तार किस, सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी किसकी होगी। ठीक है ना, पॉज करें और फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। आपको बताना है सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी के साथ कौन सा ऑब्जेक्ट ग्राउंड पर पहुंचने वाला है। पॉज करें और फटाफट अपना आंसर कमेंट बॉक्स में लिख दें। ठीक है ना, आई एम वेटिंग फॉर यू, टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव। ओके बेटा, तो देखो अब तक आप लोगों ने कमेंट कर दिया होगा, बिकॉज आपने तो पॉज किया था, मैं तो पॉज हुआ नहीं था, आपने पॉज किया था। ओके, तो हमने कहा कि भाई ग्राउंड पर जो सबसे ज्यादा काइनेटिक एनर्जी से पहुंचने वाला है, तो मेरे हिसाब से आई थिंक 75% जनता जो है इसका आंसर गलत दे देती है, और वो कहती है कि भाई देखो मास सबका बराबर है, रफ्तार सॉलिड स्फीयर की सबसे ज्यादा, तो काइनेटिक एनर्जी सॉलिड स्फीयर की सबसे ज्यादा होनी चाहिए। गलत गलत गलत, ठीक है ना, तो आप लोगों में से भी जिसने कहा कि सॉलिड स्फीयर की काइनेटिक एनर्जी सबसे ज्यादा होनी चाहिए, रॉन्ग है, वो मुझे शाबाशी देगा। ठीक है ना, वो मुझे शाबाशी देगा। ठीक है, अब देखो यहां पर क्या हो रहा है बेटा, हमने कहा कि देखो जब चारों ऑब्जेक्ट हमने छोड़े, सबका मास क्या बेटा बराबर है ना, और हाइट क्या बेटा सबकी, हाइट क्या बेटा, हाइट भी बराबर है, मास बराबर, हाइट बराबर, तो ऑल ऑफ देम विल लूज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी।
ठीक है ना, ऑल द ऑब्जेक्ट्स वैल्यूज इक्वल पोटेंशियल एनर्जी, देयरफॉर ऑल ऑफ देम विल गेन इक्वल काइनेटिक एनर्जी एज वेल। दैट मीन सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, बराबर ही है। सबकी काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा, बराबर ही है। सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर है, सब बराबर पोटेंशियल एनर्जी को लूज कर रहे हैं, इसलिए सबकी काइनेटिक एनर्जी भी बराबर गेन हो रही है। मतलब ग्राउंड पे पहुंचने पर काइनेटिक एनर्जी ऑफ सॉलिड स्फीयर इज गोइंग टू बी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिंग और डिस्क और एनीवन एल्स, राइट। सबकी काइनेटिक एनर्जी बराबर है। अब आप कहोगे सर ये बात तो समझ में आई कि सबने पोटेंशियल एनर्जी बराबर लूज करी है इसलिए काइनेटिक एनर्जी बराबर गेन करी है, लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही कि मास बराबर है स्पीड अलग है तो काइनेटिक एनर्जी बराबर कैसे। हम तो सोचते आ रहे हैं काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर वी अलग तो हम कहें काइनेटिक एनर्जी अलग है, बट आप कह रहे हो काइनेटिक एनर्जी दोनों की बराबर आ रही है। ऐसा कैसे हो रहा है सर, ये कैसे हो रहा है? ठीक है, तो बेटा आप ना केवल वेलोसिटी को देखकर काइनेटिक एनर्जी प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हो और आप भूल रहे हो कि घूमने की वजह से भी तो काइनेटिक एनर्जी होगी। अब पंखा है आपके घर में, पंखा घूमता है ना, अब ये आपके घर में जो पंखा है वो घूमता है कि नहीं घूमता है, घूमता है ना। अगर उसका सेंटर ऑफ मास देखो, पंखे का अगर सेंटर ऑफ मास देखो वो तो बेचारा रेस्ट पर है। पंखे का जो सेंटर ऑफ मास है ना वो तो बेचारा रेस्ट पर है, वो चल नहीं रहा, पंखड़ियां घूम रही हैं, सेंटर ऑफ मास तो बेचारा रेस्ट पर है, वो तो घूम नहीं रहा, उसके पास तो स्पीड है नहीं। ठीक है ना, तो अगर मैं ये कह रहा हूं कि सेंटर ऑफ मास नहीं चल रहा है, उसकी रफ्तार जीरो है, तो क्या पंखे के पास काइनेटिक एनर्जी नहीं होगी? तो बेटा पंखे के पास चलने वाली काइनेटिक एनर्जी नहीं है, लेकिन घूमने वाली काइनेटिक एनर्जी तब भी उसके पास मौजूद है। तो पंखा घूम रहा है, उसके पास एक रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है। समझ गए बेटा आप लोग, इतनी बात क्लियर हो गई आपको? कोई परेशानी इसके अंदर नहीं? चलिए फिर आगे बात करते हैं बेटा। तो बेटा काइनेटिक एनर्जी लिखते कैसे हैं? अभी तक तो हम जो पढ़ते आ रहे थे हम हाफ एमवी स्क्वायर लिख रहे थे, बट काइनेटिक एनर्जी आखिर लिखते कैसे हैं बेटा? तो देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है। तो बेटा मैं अलग अलग केसेस बना रहा हूं आपके सामने, पूरा एक फ्लो चार्ट बनाकर रख दूंगा आपके सामने, केसेस आपके सामने देंगे, इस केस में ये, इस केस में ये, इस केस में ये, इस केस में ये, कौन कौन से केसेस हो सकते हैं बेटा। दो केसेस पॉसिबल हैं आपके लिए बेटा, एक आपके पास है पार्टिकल के लिए और दूसरा आपके पास है बेटा रिजिड बॉडी के लिए। रिजिड बॉडी के लिए पार्टिकल के लिए क्या होगा बेटा, पार्टिकल का मास m है, रफ्तार v है, तो काइनेटिक एनर्जी लिखी जाएगी हाफ एम वी स्क्वायर द ट्रेडिशनल वे, जैसे कि आप अब तक लिखते आ रहे हैं, कोई परेशानी वाली बात नहीं। ठीक है, अगर हम बात करें रिजिड बॉडी के लिए तो उसमें पहला केस बनता है ट्रांसलेशन का, दूसरा केस बनता है रोटेशन का, या इसको आप प्योर रोटेशन एंड प्योर ट्रांसलेशन भी बोल सकते हो। ठीक है, और तीसरा केस बनता है बेटा रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन का, रोटेशन भी हो रही है ट्रांसलेशन भी हो रही है। तो जब प्योर ट्रांसलेशन है ना तो ये ऐसे चल रहा है, घूम नहीं रहा है, बिल्कुल ऐसे भाग रहा है, इनकी रफ्तार हर एक पॉइंट की भी है, बिल्कुल ऐसे भाग रहा है, घूम ही नहीं रहा है। और अगर ये ऐसे आगे जाएगा और घूमेगा नहीं, ठीक है, तो हर एक पॉइंट का रफ्तार वी रहेगा, मास एम रहेगा, तो काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू बेटा कितनी होगी हमारे पास, हाफ एम वी स्क्वायर ही होगी। मजा आ गया। ठीक है, अब प्योर रोटेशन की बात करते हैं, तो प्योर रोटेशन में हमारे पास क्या रहेगी बेटा, एक हिंज रहेगा और पूरी की पूरी बॉडी को उस हिंज के बाउंड क्या कर रही होगी, घूम रही होगी, सर्कुलर पाथ में जा रही होगी। आप बॉडी के ऊपर कोई भी एक पॉइंट लेंगे तो वो पॉइंट उस एक्सिस उस हिंज के अबाउट सर्कुलर मोशन कर रहा होगा और इसका ओमेगा आपके पास है। ठीक है ना, तो ऐसे में हम काइनेटिक एनर्जी क्या बोलेंगे बेटा, तो प्योर रोटेशन के अंदर जो काइनेटिक एनर्जी आती है बेटा वो आती है हाफ आई रोटेशन इंटू ओमेगा का स्क्वायर, हाफ आई रोटेशन इंटू ओमेगा स्क्वायर। क्या मतलब हुआ बच्चा, आई रोटेशन का मतलब है जिस एक्सिस के अबाउट ये रोटेट कर रहा उस एक्सिस के अबाउट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया लिखना है आपको, इंटू ओमेगा स्क्वायर आ गया। ठीक है बेटा, ये आपके पास काइनेटिक एनर्जी आ रही है प्योर रोटेशन वाले केस के अंदर, प्योर रोटेशन में ये काइनेटिक एनर्जी आ रही है। देखो जैसे हाफ की जगह पर हाफ, एम की जगह पर आई और वी की जगह पर ओमेगा आपको मिल रहा है, बिल्कुल सिंपल सिंपल बात।
जब ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, जब ये चल भी रहा है और घूम भी रहा है, इसका सेंटर मास है, चल रहा है VCM से, घूम रहा है ओमेगा से, तो बेटा आपको दोनों कंपोनेंट्स लिखने पड़ते हैं। तो चलने की वजह से, ट्रांसलेशन की वजह से जो काइनेटिक एनर्जी आती है बेटा, वो तो हाफ ICM चलने की वजह से, ओहो ओहो चलने की वजह से कितनी आएगी भैया, हाफ MVCM स्क्वायर। अरे बोलो भैया कितना आएगा, ICM into ओमेगा स्क्वायर। एक तो बोलते नहीं हो तुम लोग, ऐसा लग रहा है कि हम बिल्कुल एकदम ज़ॉम्बीज़ को पढ़ा रहे हैं, हैं? एकदम शांत बैठे रहते हो, ना कोई आवाज ना कुछ, बस शांति से बैठे रहते हो। हाफ MVCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये होगा हमारे पास चलने की वजह से हाफ MVCM स्क्वायर और घूमने की वजह से हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर। ऑफलाइन में कभी कभी हमें ऐसे बच्चे मिल जाते हैं, कुछ कुछ ऐसे क्लासेस होती हैं जो बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं करती हैं, उनसे कुछ भी बोलो कुछ भी कह दो एकदम जीरो, बड़ा सन्नाटा हमें मिलता है, कुछ बोलता ही नहीं बच्चा, ठीक है ना, तब कहीं बोलना पड़ता है बच्चों को, अरे भाई बोलो भैया है। तो ऐसा अब आपको जब हम कैमरे के सामने पढ़ा रहे हैं ना, तो ऐसा ही हमें फील होता है, ठीक है, क्योंकि बोल ही नहीं रहा है, हम ही बोले जा रहे हैं, है एकदम ज़ॉम्बी हो गए क्या, बोला करो कमेंट में। खैर वापिस आते हैं और बात करते हैं कि ये पूरा चार्ट हमने बनाया पार्टिकल का, रिजिड बॉडी का, घूमने का, चलने का, चलते हुए घूमने का, ठीक है। और अब एक स्पेशल केस की बात करते हैं, बेटा व्हाट इज दैट स्पेशल केस, बेटा ये स्पेशल केस है आपका रोलिंग मोशन। सपोज वी हैव अ राउंड ऑब्जेक्ट जिसके पास एक वेलोसिटी है सेंटर ऑफ मास की VCM, एक ओमेगा है और फिक्स ग्राउंड है और ये कर रहा प्योर रोलिंग। तो आपको पता है ऐसे में VCM बराबर R ओमेगा होता है और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बनेगा बेटा, क्या बनेगा बताओ भाई, क्या बनेगा, हाफ MVCM स्क्वायर प्लस हाफ ICM ओमेगा स्क्वायर, ठीक है, ये बनेगा ना। अब देखो भाई क्या बोल सकते हैं, मैं ICM कैन बी रिटन एस ZMR स्क्वायर, रिमेंबर Z, अरे भाई याद है कि नहीं है, बोलो भाई पढ़ते भी जाओ बोलते भी जाओ सब सुन रहा हूं मैं। R ओमेगा इज V, ठीक है, तो हाफ MVCM स्क्वायर प्लस हाफ ZMVCM स्क्वायर, ठीक है भाई, हाफ MVCM स्क्वायर 1 प्लस Z। तो अब ये हमारे पास काइनेटिक एनर्जी का बड़ा फॉर्मूला आ चुका है फॉर प्योर रोलिंग, राउंड ऑब्जेक्ट प्योर रोलिंग, हाफ MVCM स्क्वायर 1 प्लस Z, सीधा ये फॉर्मूला लगा देंगे, हाफ MVCM स्क्वायर इंटू 1 प्लस Z, की वैल्यू हमें पता ही है, बस पुट करते जाएंगे अलग अलग ऑब्जेक्ट हमें काइनेटिक मिलती चली जाएगी। अब यहां पर देखो बेटा, यहां पर हम कह सकते हैं बेटा कि जो ये पोर्शन है ना, ये जो पोर्शन है हमारे पास, ये हमारे पास ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी है जो चलने की वजह से आ रही है, ठीक है, और ये हमारे पास रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है जो घूमने की वजह से आ रही है, ठीक है ना। तो चलने की वजह से ये आ रही है, घूमने की वजह से ये आ रही है, तो हम कह रहे हैं काइनेटिक एनर्जी के दो पार्ट होने वाले हैं, काइनेटिक एनर्जी के बेटा दो पार्ट होने वाले हैं रोलिंग के अंदर, ठीक है ना। तो काइनेटिक एनर्जी कौन कौन सी होगी हमारे पास, एक तो ट्रांसलेशनल होगी, फिर कौन सी होगी बेटा, एक बार हमारे पास रोटेशनल होगी, फिर कौन सी होगी हमारे पास टोटल होगी, तीन काइनेटिक एनर्जी हम लिख सकते हैं आप, ठीक है ना। ट्रांसलेशन वाली कौन सी बेटा, हाफ MVCM स्क्वायर, और रोटेशन वाली कौन सी बेटा, हाफ ZMVCM स्क्वायर। अब आपको ये कहां से आ गया, ये कहां से आ गया, ध्यान से देखो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस नहीं होना चाहिए, ध्यान से देखो बेटा, देखो हाफ MVCM स्क्वायर प्लस हाफ ZMVCM स्क्वायर, मैंने ICM को ZMR स्क्वायर लिखा था और R स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर को VCM लिखा था, तो वहां से निकल के आ गया था ये पोर्शन, इसी का इस्तेमाल मैंने यहां पर किया, हाफ ZMVCM स्क्वायर, हाफ ZMVCM स्क्वायर, ठीक है ना। तो तुरंत पढ़ाया तुरंत भूल गए, ये क्या होता है, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस, ठीक है ना, बच्चों में अक्सर देखा जाता है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल काइनेटिक एनर्जी, अब भूल चुके होंगे, मुझे पता है, पूरा विश्वास है, भूल चुके हो बेटा, आप भूल चुके हो, आई नो गिरा, हाफ MVCM स्क्वायर, हाफ MVCM स्क्वायर 1 प्लस Z, हाफ MVCM स्क्वायर 1 प्लस Z, अच्छे से देख लो बेटा इस फॉर्मूले को,
बढ़िया से देख लो, याद कर लो, कंठस्थ कर लो बेटा। कर लिया? नहीं किया है अभी, नहीं किया है आपने याद अभी। याद करो उसको बैठ के, ठीक है, दो मिनट को पॉज करो वीडियो को, याद करो उसको। हाफ एम वी सी एम स्क्वायर वन प्लस जेड, ठीक है। चलो ये टोटल काइनेटिक एनर्जी आ चुकी है आपके पास। अगर निकालना है फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल, फ्रैक्शन फ्रैक्शन परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, फ्रैक्शन ऑफ ट्रांसलेशनल ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी, मतलब ट्रांसलेशनल अपॉन में टोटल, अपॉन में टोटल। तो ट्रांसलेशनल बेटा हमारे पास कितनी है, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर है, और टोटल कितनी है, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर वन प्लस जेड। तो बेटा ये वन बाय वन प्लस जेड आ गया, वन बाय वन प्लस जेड आ गया, ठीक है बच्चा। फ्रैक्शन ऑफ रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोले अगर हम, तो रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी बोले अगर हम, तो बेटा ये रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी डिवाइड बाय टोटल काइनेटिक बोली जाएगी, ठीक है। तो नाउ व्हाट इज रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी, इट इज हाफ एम वी सी एम स्क्वायर इंटू जेड डिवाइड बाय हाफ एम वी सी एम स्क्वायर वन प्लस जेड, मतलब क्या आएगा आपके पास, जेड डिवाइड बाय वन प्लस जेड आ जाएगा। आ रही मतलब मैं आपको बेटा, इस तरीके से आप फ्रैक्शन भी निकाल सकते हो रोलिंग के अंदर, और इंडिविजुअल ले सकते हो ट्रांसलेशन की कितनी है और रोटेशन की कितनी है। आई बात समझ में आपको, बेहतरीन। अब हमें काइनेटिक एनर्जी लिखना आ गया है, अब हमें काइनेटिक लिखना आ गया है, अब क्या करेंगे बेटा, अब क्या करेंगे, ठीक है। थोड़ा सा आपको फील भी आ गया काइनेटिक एनर्जी का, कि एक तो ट्रांसलेशन की वजह से होती है, जब ट्रांसलेशन करता है वैसे कर, एक बार रोटेशन की वजह से होती है जो ऐसे घूमता है गर गर गर, और कई बार क्या होता है चलता भी है घूमता भी है, चलता भी घूमता भी, ठीक है। तो सबके इसमें अलग अलग काइनेटिक एनर्जी रहेगी, उनके फॉर्मूले अलग अलग होंगे, आपको मैं फॉर्मूला लिखवा चुका हूं, पूरा माइंड मैप बनवा चुका हूं, अब आपको उसको याद करना है बढ़िया से और क्वेश्चन में अप्लाई करना है, ठीक है। तो पढ़ते हैं पहले एक कॉन्सेप्ट को यहां पर, जिसका नाम है बेटा कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी, अब ये क्या चीज है, ठीक है। तो बेटा ये तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं वर्क एनर्जी पावर में, ठीक है ना। तो अब उसी को हम यहां पर दोबारा से स्टेट कर रहे हैं, और रोटेशन के में भी उसको लगाकर देखेंगे, सेम चीज है। सिंपल भाषा में अगर मैं आपको कहूं कि अगर सिस्टम को बाहर से कोई वर्क करके एनर्जी नहीं दे रहा, मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट जीरो जीरो है, और सिस्टम में से हीट पैदा नहीं हो रही, मतलब फ्रिक्शन कोई हीट पैदा नहीं कर रहा, तो एनर्जी हो जाती है कंजर्व, ठीक है। तो मैंने क्या कहा, वन हीट इज नॉट प्रोड्यूस्ड एंड सेकेंड वर्क डन बाय एक्सटर्नल एजेंट इज इक्वल टू जीरो, देन यू कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी, देन यू कैन कंजर्व द मैकेनिकल एनर्जी, ठीक है ना। अब फ्रिक्शन होना डजंट मीन कि वो वर्क भी करेगा, ठीक ना, रोटेशन में इस बात का खास तौर से ध्यान रखना है। फ्रिक्शन होना डजंट मीन कि वो वर्क भी करेगा। अगर हम प्योर रोलिंग की बात करते हैं, प्योर रोलिंग की बात करते हैं, तो प्योर रोलिंग के अंदर जो फ्रिक्शन लगता है वो बेटा स्टैटिक नेचर का होता है। फ्रिक्शन कैसा होता है, स्टैटिक होता है। चलते हुए ऑब्जेक्ट पर भी स्टैटिक फ्रिक्शन लग सकता है। फ्रिक्शन स्टैटिक इसलिए है बिकॉज बॉटम मोस्ट पॉइंट कैसा है बेटा, रेस्ट पर है, ठीक है। बॉटम मोस्ट पॉइंट बेटा रेस्ट पर है, इसलिए कौन सा फ्रिक्शन लग रहा है बेटा, स्टैटिक फ्रिक्शन लग रहा है। और जब भी स्टैटिक फ्रिक्शन लगता है तो स्लिपिंग नहीं होती, स्लिपिंग नहीं होती, नो स्लिपिंग है, रोलिंग है, स्लिपिंग नहीं है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन नहीं होगा, हीट नहीं निकलेगी, हीट नहीं निकलेगी। आ रही बात समझ में, तो फ्रिक्शन नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो, ठीक है ना। नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन जीरो। तो नेट वर्क डन बाय स्टैटिक फ्रिक्शन इज जीरो, हीट प्रोड्यूस नहीं होगी, एनर्जी कंजर्व आप कर सकते हो, एनर्जी कंजर्व आप कर सकते हो, कब, जब प्योर रोलिंग की कंडीशन दे रखी, जब स्लिपिंग हो रही होगी ना फ्रिक्शन के साथ, तब एनर्जी कंजर्व नहीं होगी आपकी, ठीक है बेटा।
तो बढ़ते हैं आगे और करते हैं बेटा कुछ क्वेश्चंस को, ठीक है ना, करते हैं कुछ क्वेश्चंस को। जैसे कि मान लिया हमारे पास इस तरीके से एक प्लेटफॉर्म है और हमारे पास एक गोला है, गोला, ठीक है ना, और इसका मास m है, रेडियस r है, इट्स अ स्फीयर, ठीक है। जब मैं स्फीयर बोलूंगा तो बाय डिफॉल्ट उसको आप सॉलिड लेंगे, होलो के लिए होलो मेंशन किया जाता है क्वेश्चन के अंदर, खाली स्फीयर बोलेंगे मतलब सिर्फ स्फीयर बोलेंगे तो उसको हम सॉलिड स्फीयर मान के चलेंगे, ठीक है, ओके। एंड दिस सरफेस इज बेटा रफ, रफ है, रफ इनफ की प्योर रोलिंग हो, कि प्योर रोलिंग हो, तो प्योर रोलिंग हो रही है, रफ सरफेस है, ये नीचे जा रहा है और घूम भी रहा होगा, तो यहां कहीं पर पहुंचेगा ना बेटा ये, तो इसके पास एक VCM होगा और इसके पास एक ओमेगा भी होगा, इसके पास एक VCM भी होगा और इसके पास एक ओमेगा भी होगा, तो नाउ इट हैज VCM एंड इट हैज ओमेगा एज वेल, ठीक है ना, VCM भी चल रहा है और ओमेगा भी चल रहा है, ठीक है। अब देखो यहां पर बेटा, यहां पर रोलिंग हो रही है तो फ्रिक्शन तो लग रहा होगा, लेकिन फ्रिक्शन का वर्कडन बेटा जीरो होगा, ठीक है ना, वर्कडन बाय फ्रिक्शन यहां पर जीरो होगा, और जो नॉर्मल रिएक्शन है बेटा उसका वर्कडन वैसे ही नहीं है क्योंकि सब कुछ रेस्ट पर ही है, जो प्लेटफॉर्म है ये रेस्ट पर है, ठीक है ना, तो नॉर्मल का वर्कडन भी जीरो है, फ्रिक्शन का वर्कडन भी जीरो है, एनर्जी हम यहां पे कंजर्व कर सकते हैं, तो हम यहां पे क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी लिखने के लिए आपको एक रेफरेंस लेवल लेना होगा, तो मैंने इस रेफरेंस को ही मान लिया रेफरेंस लेवल, ठीक है। तो इसका जो सेंटर ऑफ मास है मान लेते हैं इनिशियली वो एच हाइट पर था, क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, ठीक है ना, क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए, तो एच हाइट पर था, ठीक है। तो कितना पोटेंशियल एनर्जी बेटा mgh है, ठीक है, कितनी काइनेटिक एनर्जी बेटा रुका हुआ यहां पर जीरो है, जब ये नीचे आ गया तो इसका सेंटर ऑफ मास कितना है इस रेफरेंस से ऊपर, r डिस्टेंस ऊपर, तो लिखेंगे mgr लिखेंगे बेटा पोटेंशियल एनर्जी। हां जी बेटा, अभी भी इसका सेंटर ऑफ मास ऊपर ही है, बिल्कुल इस पर लेटा नहीं हुआ, थोड़ा सा ऊपर है, कितना r ऊपर है, तो mgr लिखेंगे। काइनेटिक एनर्जी लिखेंगे बेटा, हम लिखेंगे हाफ एम वी सी एम स्क्वायर वन प्लस जेड, दैट इज द डायरेक्ट फॉर्मूला बेटा। जो ये फॉर्मूला मैंने आपको दिया ना, मैंने जो ये फॉर्मूला आपको दिया है, ठीक है, जिसको मैं कह रहा हूं बार बार कि आप ध्यान से देख लें इसको, ठीक है बेटा, ये फॉर्मूला जो है ये एक सिद्धि है, ये भी, ठीक है ना, ये भी एक सिद्धि है, याद रखना बेटा इसको, दिस इज अ सिद्धि, सिद्धि है ये, ठीक है ना, हिमालय पे बैठकर हमने प्राप्त करी है, इसको अच्छे से सीख लो, ठीक है, जो बता रहे हैं ना डायरेक्ट एक लाइन में लिखने का तरीका बता रहे हैं, अच्छे से याद कर लो, ठीक है। जो जड़ है ना, ये जड़, जड़ भी अपने आप में सिद्धि है, बुक्स में लिखा हुआ मिलेगा नहीं आपको ये जड़, ये तो फिर भी कहने का कुछ ना कुछ लोग के टर्म में जाकर लिख देंगे, जड़ के टर्म में दे रहा हूं, एकदम सिद्धि वाली चीज है, डायरेक्ट डायरेक्ट आंसर निकलेंगे इससे, ठीक है ना बच्चा लोग, ठीक है, बढ़े आगे, आ जाओ देखो बेटा, एम तो कट गया, मर गया, फना हो गया, ये जी आर है, ये वी सी एम का स्क्वायर डिवाइड बाय टू है, और स्फीयर के लिए जड़ होता है बेटा 2/5, ठीक है, इसको यहां लेकर आएंगे तो ये 2 भी यहां पर लेकर आएंगे, तो ये h माइनस आर हो जाएगा बेटा, ये वी सी एम का स्क्वायर हो गया, ये 7/5 हो गया, तो वी सी एम की वैल्यू आएगी बेटा अंडर रूट ऑफ 10/7 जी एच माइनस आर, दैट्स द वैल्यू ऑफ वी सी एम, ठीक है। तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर मास इज अंडर रूट 10/7 जी एच माइनस आर, अंडर रूट 10/7 जी एच माइनस आर, ठीक है। तो बेटा ये वैल्यू आने वाली है आपकी वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास की जब ये यहां पर पहुंचेगा, ओके, ठीक है भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, इससे उल्टा क्वेश्चन देखते हैं। इस बार मैंने क्या किया, मैंने प्लेटफॉर्म ऐसा बना दिया, मैंने प्लेटफॉर्म उल्टा बना दिया इस तरीके से, ठीक है। अब मैं कह रहा हूं अगेन, ये प्लेटफॉर्म जो है बेटा रफ है, रफ इनफ है कि बेटा प्योर रोलिंग हो, प्योर रोलिंग हो रही, और मैंने कहा कि यहां पर हमारे पास एक गेंद है, कंदुकेन है, ठीक है, और यहां पर इसकी रफ्तार जो है v है, इसके पास एक ओमेगा है, सजेड v बराबर r ओमेगा है, रफ सरफेस है। क्वेश्चन ये है कि इसका सेंटर मास कितनी हाइट तक राइज कर जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड द मैक्सिमम हाइट, फाइंड द मैक्सिमम हाइट रीच्ड बाय या राइज बाय सेंटर ऑफ मास, सेंटर ऑफ मास कितना हाइट ऊपर राइज कर जाएगा, हम ये जानना चाह रहे हैं। तो अब जैसे जैसे ये ऊपर चढ़ेगा, अगेन प्योर रोलिंग है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, फ्रिक्शन लगेगा, डेफिनेटली फ्रिक्शन लगेगा, लेकिन तब भी एनर्जी कंजर्व होगी, बिकॉज
फ्रिक्शन वर्क डन नहीं कर रहा होगा, स्लिपिंग नहीं हो रही है, हीट प्रोड्यूस नहीं हो रही होगी, ठीक है। तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचकर बेटा ये रुकेगा, इसकी रफ्तार जीरो होगी और हम कह रहे हैं कि ये जो हाइट है ना बेटा ये एच है, ये जो हाइट है बेटा ये एच, ठीक है, ऊपर जाएगा हाइट वाली कितनी बेटा एच हाइट है, ठीक है। अच्छा जी, बहुत बढ़िया। अब हम यहां पे क्या कह सकते हैं, अब हम यहां पे क्या कह सकते हैं कि जब ये ऊपर की तरफ राइज करेगा यहां पे जाके रुकेगा, ठीक है ना, तो अब यहां पर हम क्या कह सकते हैं, हम यहां पे कर सकते हैं बेटा एनर्जी का कंजर्वेशन। तो लिखिए बेटा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी, इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी, ठीक है बेटा। अरे बोलो भाई, इनिशियल इनिशियल, अब रेफरेंस चाहिए आपको भैया, रेफरेंस चाहिए, मैंने किसको ये रेफरेंस मान लिया, लो भैया मैंने सेंटर मास की इनिशियल हाइट को रेफरेंस मान लिया, तो बोलेंगे जीरो। काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारे पास, तो क्या लिखेंगे, हाफ एम वी सी एम स्क्वायर वन प्लस जेड, बहुत बढ़िया। अब ऊपर गया क्या लिखेंगे, एम जी एच लिखेंगे भैया, काइनेटिक एनर्जी जीरो, रुका वो, ठीक है। तो फ्रॉम हेयर वी कैन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एच एंड एच इज नथिंग बट वी सी एम स्क्वायर डिवाइड बाई टू जी वन प्लस जेड, बस जेड की वैल्यू पुट करेंगे सॉल्व करके आंसर निकल जाएगा। क्योंकि अगर हमने इसको आपको मान लिया कौन सा ऑब्जेक्ट दे, कौन सा ऑब्जेक्ट दे, जैसे डिस्क है, डिस्क, ठीक है, अगर ये डिस्क है तो जेड की वैल्यू कितनी होगी बेटा, वन बाय टू, वन बाय टू पुट करेंगे बेटा, वन बाय टू कितना आएगा, थ्री बाय टू, तो थ्री बाय फोर हो गया, ये थ्री बाय फोर VCM square divided by G, that is the value of H। आ रही बात समझ में, आ रही बात समझ में, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार, बहुत मजेदार। चलो अब इस क्वेश्चन को थोड़ा करते हैं ट्विस्ट, और हम कहते हैं कि लेट अस से यहां पर कोई फ्रिक्शन नहीं है, दिस इज स्मूथ, यहां पर हमने कहा कि यह है बिल्कुल स्मूथ, इसके पास स्पीड v है, ओमेगा है, सच दैट v बराबर r ओमेगा है, इनिशियली मास m, रेडियस r, डिस्क है ये भी, बहुत शानदार। हम जानना चाहते हैं इसका सेंटर मास इतने हाइट तक राइज करेगा, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन इज सेम, यू हैव टू फाइंड h, ठीक है, ओके, आपको h निकालना सेंटर मास का है। फ्रिक्शन नहीं है, क्या हम एनर्जी अभी भी कंजर्व कर सकते हैं, द आंसर इज यस, फ्रिक्शन नहीं है ना, था तब भी वर्क डन नहीं कर रहा था, अब है, फ्रिक्शन नहीं है तब भी वर्क डन नहीं कर रहा, जब है ही तो वर्क डन कैसे करेगा, है ना, तो दोनों केसेस में हम एनर्जी कंजर्व कर सकते हैं, वहां भी यहां भी, तो क्या फर्क पड़ने वाला है। तो मेरा क्वेश्चन आपसे यह है यहां पर कि बिना कैलकुलेशन करे, पहले तो आपको यह बताना है, बिना कैलकुलेशन करे आपको पहले तो यह बताना है कि भैया कि जब रफ था तब ज्यादा ऊपर गया होगा, या जब मैंने इसको स्मूथ कर दिया तब ज्यादा ऊपर जाएगा, स्मूथ करने पर ज्यादा ऊपर जाएगा या रफ पर ज्यादा ऊपर गया था, ठीक है। तो बेटा पॉज करें इसको फटाफट, कमेंट करें अपने आंसर्स को, ठीक है, मैं पांच तक गिनती गिन रहा हूं, टिक टिक वन, टिक टिक टू, टिक टिक थ्री, टिक टिक फोर, टिक टिक फाइव, ठीक है, तो पांच तक हमने गिनती गिन ली है, समय आवा हो गया खत्म, अब देखते हैं क्या है इसका आंसर, ठीक है। तो देखो बेटा इसका आंसर जो है वो रेगुलर थिंकिंग से उल्टा है, मतलब नॉर्मली तो बच्चे सोचते हैं, नॉर्मली बच्चे सोचते हैं कि जब रफ होगा तो कम ऊपर जाएगा, बिकॉज फ्रिक्शन उसको रोकने की कोशिश करेगा, जब रफ होगा तो कम ऊपर जाएगा और जब स्मूथ होगा तो ज्यादा ऊपर जाएगा, लेकिन वास्तव में इससे उल्टा हो रहा है, वास्तव में इससे उल्टा होता है। क्या मतलब है इसका, मतलब इसका यह है कि जब जब ये स्मूथ है तब कम ऊपर जाएगा और जब रफ था तब ज्यादा ऊपर जाता, तब ज्यादा ऊपर जाता। सर ये कैसे कह दिया आपने, ऐसा कैसे हो सकता है, तो बताता हूं ऐसा कैसे हो रहा है, ठीक है। देखो जब ये स्मूथ है ना तो इसका ओमेगा कौन चेंज करेगा, टेल मी इसका ओमेगा कौन चेंज करेगा, तो बेटा यहां पर आओ देखो इसके पास एक ओमेगा है ना, तो बेटा देखो ये इसके पास एम जी है, इसके पास नॉर्मल है, नॉर्मल भी सेंटर से पास कर रहा, एम जी सेंटर से पास कर रहा, दोनों ही सेंटर से पास कर रहे, तो ओमेगा कौन बदलेगा भाई, हु विल गिव द टॉर्क अबाउट द सेंटर ऑफ मास, देयर इज नोबडी, नो फोर्स इज देयर जो कि आपको सेंटर ऑफ मास के बाद टॉर्क दे सके, ओमेगा को घटाने के लिए टॉर्क आ सके, नहीं आ रहा, इसलिए हम क्या कह सकते हैं, अरे बोलो बच्चा क्या कह सकते हैं, ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है।
अगर ओमेगा चेंज नहीं हो रहा है तो हाईएस्ट पॉइंट पर पहुंचने के बावजूद भी ये घूमता रहेगा। लेकिन किंतु परंतु बंधु, लेकिन किंतु परंतु बंधु, फ्रिक्शन वाले केस में क्या था, फ्रिक्शन वाले केस में ओमेगा कम करने के लिए यहां पर फ्रिक्शन आ रहा था ऐसे ऊपर की तरफ, फ्रिक्शन इसका ओमेगा घटा रहा था और इसको और ऊपर की तरफ उठा रहा था। फ्रिक्शन वाज हेल्पिंग इट टू गो अप एंड रिड्यूस द ओमेगा, ठीक है। और यहां पर क्या है, यहां तो फ्रिक्शन ही नहीं है, ओमेगा घट ही नहीं रहा, तो क्या हुआ है, घूमेगा नहीं घटा, तो क्या फर्क पड़ गया, फर्क यह पड़ गया कि पिछले क्वेश्चन में जितनी भी काइनेटिक एनर्जी थी, ट्रांसलेशन वाली भी और रोटेशन वाली भी, दोनों काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में, दोनों काइनेटिक एनर्जी चलने वाली भी और घूमने वाली भी, दोनों काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है पोटेंशियल एनर्जी में। लेकिन यहां क्या हो रहा है, यहां क्या हो रहा है, यहां तो ये घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है, घूम ही जा रहा है, ठीक है ना। अगर ये घूम ही जा रहा है, ठीक है, तो इसकी रोटेशन वाली काइनेटिक एनर्जी तो खत्म ही नहीं हुई ना, केवल और केवल ट्रांसलेशन वाली कन्वर्ट हुई है पोटेंशियल एनर्जी में। आप कह सकते हो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी इज हाफ एम वी स्क्वायर एंड गेन इन पोटेंशियल एनर्जी इज एम जी एच। दैट इज हाउ यू कैन राइट, ठीक है ना। तो इस केस में H आ रहा 0.5 V square by G और पिछले केस में H आ रहा 0.75 V square by G। तो 0.5 बढ़ा कि 0.75 बढ़ा, ऑब्वियसली 0.75 बढ़ा। दैट मींस जब रफ है तब ज्यादा ऊपर चढ़ेगा, जब रफ है तब ज्यादा ऊपर चढ़ने वाला है। आई बात समझ में बेटा आप लोगों, स्मूथ में कम जाएगा, रफ में ज्यादा जाएगा, उल्टा हो गया बेटा, याद कहानी कहानी उल्टी कर दी है हमने। आओ भैया आओ, तभी कहते हैं बेटा फिजिक्स के अंदर बच्चे पूरे कॉन्फिडेंस से गलत मार्क करके आते हैं, एग्जाम में बैठते हैं और पूरे कॉन्फिडेंस से गलत मार्क करके, सर ये तो 100% सही है, एग्जामिनर कहता है गलत ले। पूरे कॉन्फिडेंस से गलत मार्क करके आते हैं बच्चे, जैसे कि यहां, अरे फ्रिक्शन है कम जाएगा, स्मूथ है ज्यादा जाएगा, ले गलत। ठीक है, कॉन्सेप्ट ध्यान से पढ़ो बच्चा, ध्यान से पढ़ो, जहां जहां गलती हो सकती है सब बता रहा हूं, बढ़िया से बता रहा हूं, ठीक है ना। आइए पढ़ते हैं, आगे पढ़ते हैं, ठीक है। चलो भैया राउंड ऑब्जेक्ट की बहुत बातें कर ली है हमने, अब कुछ जरा रॉड वॉड की बात कर ले, कर लेंगे नहीं कर ले भैया। मास एम लेंथ एल, रॉड घूम रही है, घूम के यहां पर क्या हो गई, वर्टिकल हो गई, ठीक है। तो इसका ओमेगा बताना है जब ये वर्टिकल हो जाएगी, ठीक है। तो यहां पर देखो हिंज एक फोर्स लग रहा है, बट हिंज कोई वर्क कर नहीं रहा क्योंकि हिंज तो चल ही नहीं रहा। अब क्योंकि हिंज रेस्ट पे बैठा है, वो कोई वर्क कर नहीं रहा, रुका हुआ है, इसलिए इसलिए हम कह सकते हैं यहां पर हम एनर्जी कंजर्व कर देंगे। तो अगर इसका सेंटर ऑफ मास ये है, इनिशियल लेवल मैंने यही रेफरेंस का मान लिया, सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है, कितना नीचे आ रहा है बेटा, L by 2 नीचे आ रहा है। व्हाट इज द लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू द गेन इन काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो लॉस कितना बेटा, अब मैं उसको दूसरे तरीके से करा रहा हूं, हम ऐसे भी सकते हैं इनिशियल पोटेंशियल प्लस इनिशियल काइनेटिक इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल प्लस फाइनल काइनेटिक, ऐसे भी लिख सकते हैं, बात एक ही है, ठीक है ना। बट आपको एनर्जी को समझना है, एनर्जी कहां से कहां जा रही है, तो आप समझो लॉस हो रहा है पोटेंशियल का, गेन हो रहा है काइनेटिक का। तो लॉस कितना हुआ बेटा, L by 2 सेंटर मास नीचे आया है, तो लॉस है mg into L by 2 का लॉस है। क्यों mg into L by 2 का लॉस है, क्योंकि L by 2 नीचे आया है, कौन सेंटर मास, आपको देखना है सेंटर मास नीचे कितना आया है, गेन कितना हुआ इसका। तो ये क्या है, इज इट अ प्योर रोटेशन और रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन, इट्स अ प्योर रोटेशन। प्योर रोटेशन का फॉर्मूला क्या है बेटा, देखो यहां पर आओ, देखो देखो देखो, शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस हो चुका है आपका। देखो प्योर 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 रोटेशन का फॉर्मूला क्या है, देखो ये रहा बेटा प्योर रोटेशन, हाफ आई रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर, सिंपल हाफ आई रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर। बोलो बच्चा हाफ आई रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर, सुबह सुबह उठ के जाप किया करो बेटा इन फॉर्मूला का, हाफ आई रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर, यही आपके भगवान है, ठीक है ना। इनका जाप करो डेली बैठ के सुबह सुबह, ठीक है, तब आएंगे ये आपको हेल्प करने के लिए एग्जाम में, ठीक है ना। ओके, तो लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी इज गेन इन काइनेटिक एनर्जी, व्हाट इज द गेन,
गेन इज हाफ आई रोटेशन इसके अबाउट घूम रहा है एम एल स्क्वायर बाय 3 इंटू ओमेगा स्क्वायर। अब आधे बच्चों को तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ही याद नहीं होगा, अब जिनको याद नहीं होगा तो उनका तो भैया क्या करेंगे, उनको तो भैया एक ही काम करना पड़ेगा, बोलो क्या करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे, वैसे ही बच सकते हैं, और कोई रास्ता नहीं है। फॉर्मूला याद कर लो, बड़ा अच्छे से याद कर लो सारे मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का, बहुत बढ़िया से मैं आपको फॉर्मूला लिखवा रखा है, श्रिंक कर करके फॉर्मूला लिखवा रखा है बड़ा, याद है सिद्धि दी थी आपको मूवमेंट ऑफ इनर्शिया में, श्रिंक कर दो क्रैक, गलता है आंसर, ठीक है। तो बड़े उनको लगाना है, तो सीखा है उनको लगाना है, पढ़ना है उनको, बढ़िया से कर देना है, क्या दिक्कत है, ठीक है। चलो बेटा, अभी हमने कंजर्वेशन के ऊपर काफी सारी कहानियां देख ली, ठीक है, और एक क्वेश्चन और दे देते, तो मुंह से निकल गया तो दे देते हैं। चलो, हमारे पास ये एक एटवुड मशीन है जिसके अंदर ये भी मास वाला है, मास एम रेडियस आर, इट्स अ डिस्क, और इसके ऊपर दो ब्लॉक टंग रहे, ऐसे ऐसे दो ब्लॉक टंग रहे, इसका मास हमने M1 मान लिया, इसका मास हमने M2 मान लिया, ठीक है। हमने कहा कि M2 जो है वो नीचे गया h डिस्टेंस, छोड़ दिया इनको नीचे गया h डिस्टेंस, तो M1 M2 का स्पीड कितना होगा, फाइंड v ऑफ M1 एंड M2, ठीक है, यहां पे v कितना होगा इसका, ठीक है। तो देखो यहां पर क्या हो रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का लॉस हो रहा है, किसका, M2 का लॉस हो रहा है, बट M1 गेन कर रहा है, M1 ऊपर भी जाएगा ना, तो पोटेंशियल एनर्जी गेन भी हो रही है, किसका गेन हो रहा है, M1 का गेन हो रहा है। अच्छा, लेकिन इनके पास एक रफ्तार भी तो आ रही है, जितनी इसकी रफ्तार होगी उतनी ही इसकी रफ्तार होगी, और उसके पास एक ओमेगा भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम बोलेंगे प्लस गेन इन काइनेटिक एनर्जी, किसकी गेन हो रही है बेटा, ये तो सबकी गेन हो रही है, M1 की भी गेन हो रही है, M2 की भी गेन हो रही है, कैपिटल M की भी गेन हो रही है, ठीक है। तो लॉस कितना है पोटेंशियल एनर्जी का, देखो यहां पर कितना लॉस है बेटा, M2 इंटू GH, दैट इज अ लॉस ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ M2। What is the gain in potential energy of M1? It's beta M1GH. M1GH is the gain in potential energy of M1. Kinetic energy M1 की कितनी gain हो रही है बेटा? Half M1 V square. इसकी कितनी gain हो रही है बेटा? Half M2 into V square. और इसकी कितनी gain हो रही है बेटा? Half I disk है ना? MR square by 2 into omega square. But क्योंकि यहाँ पे कोई slipping नहीं है, इसलिए V बराबर R omega होगा. यहाँ कोई slipping नहीं है, इसलिए v बराबर r ओमेगा, धागा स्लिप नहीं कर रहा ना, बिल्कुल घूम रहा है, इसके बाद धागा का स्लिपिंग नहीं है, इसलिए v बराबर r ओमेगा लिख सकते हैं आप। तो बस सॉल्व कर देंगे इसको, हम क्या लिख सकते हैं, m2 माइनस m1gh बराबर हाफ कॉमन आ रहा, v कॉमन आ रहा, m1 प्लस m2, m by 2 बच रहा, r ओमेगा को मैंने v लिख दिया, r ओमेगा को मैंने v लिख दिया, ठीक है, तो v कॉमन आ गया, तो v की वैल्यू कितनी आ रही बेटा, 2 m2 m1 gh डिवाइड बाय m1 प्लस m2 That's the value of V. बट ये हमारे पास V की वैल्यू आ रही है, ठीक है। चलो, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी पर हमने बहुत सारे प्रश्न लगा लिए हैं, अब थोड़ा हटके हम बात करेंगे, ठीक है, क्या बात करेंगे बच्चा, चलो थोड़ा सा बात करते हैं बेटा पहले वर्क डन बाय टॉर्क की, देखो बेटा फोर्स का बटन कितना होता है, फोर्स का बटन होता है इंटीग्रेशन एफ डी एक्स, ठीक है ना, तो एफ के जगह पे क्या आया बेटा, टाउ आ गया, डीएक्स के जगह आया डीटा आ गया, बस सिंपल सिंपल एज सिंपल एज दैट, दिस इज द वर्क बाय द टॉर्क, क्लियर है बेटा, टॉर्क का बटन निकालना आ गया आपको, सिंपल तरीके से निकाल दिया। और यहां पर आपको ध्यान रखना है कि अगर अगर टॉर्क कॉन्स्टेंट है तो वो बाहर आएगा, और डी थीटा का इंटीग्रेशन आपको डेल्टा थीटा दे देगा, so work done by torque will be tau into delta theta, work done by torque will be tau into delta theta, हमारे पास ये work done by torque आ गया, all clear बेटा, समझ गए, कोई परेशानी इसमें नहीं। चलो अब आगे बात करते हैं फिर, अगर work done by torque इतना है तो power कितनी है बेटा, power कितनी है, power का जो formula होता है वो होता है F dot V, that is power, ठीक है। तो पावर ड्यू टू द वर्क डन बाय टॉर्क कितना लिखेंगे बेटा, तो एफ की जगह पे क्या आएगा, टाउ आएगा, और वी की जगह क्या आएगा, ओमेगा आएगा। बट पावर के बारे में रेयरली कोई, बहुत ज्यादा कुछ क्वेश्चंस आपको आएंगे, रेयरली कोई पूछेगा आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन वगैरह में इसके ऊपर क्वेश्चंस, वर्क डन पे भी थोड़े बहुत आ सकते हैं बट बहुत ज्यादा नहीं आते, ठीक है ना।
इसको बेसिकली हम पोटेंशियल एनर्जी कहीं भी निकालनी होती है तो वहां पर ले जाकर थोड़ा बहुत यूज करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वगैरह में, बहुत ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा नहीं, डोंट वरी टू मच अबाउट इट, ठीक है। बट हम इसके ऊपर कुछ चीजें देखेंगे, बट बिफोर दैट लेट मी टॉक अबाउट वर्क एनर्जी थ्योरम, क्योंकि वर्क तो निकाल लिया हमने, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर रोटेशन। तो पहले बात करते हैं बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम की, वर्क एनर्जी थ्योरम क्या है। तो बेटा ये कहता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। कौन सा एनर्जी है ये? टोटल काइनेटिक एनर्जी। तो सारे फोर्सेस का जो वर्क डन मिलाकर होता है वो चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है, ठीक है ना। अब हम बात करेंगे बेटा वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर रोटेशन की। ये क्या होता है बेटा? ये होता है बेटा वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क्स, सारे टॉर्क का मिलाकर जो वर्क डन होगा, ठीक है ना बेटा, वो होगा चेंज इन द रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। नाउ व्हाट डज दैट मीन? तो बेटा ये रोटेशन के लिए, तो कौन सा रोटेशन बेटा? ये प्योर रोटेशन है, प्योर रोटेशन वाला केस की हम बात कर रहे हैं। तो प्योर रोटेशन दो टाइप से आप ले सकते हैं। पहला आप ले सकते हैं हिंज के अबाउट, अगर हिंज मिलेगा आपको तो आप हिंज के अबाउट लेंगे। तो हिंज के अबाउट लिखेंगे बेटा वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल्स टू, ऑल द टॉर्क अबाउट हिंज इज इक्वल्स टू हाफ प्योर रोटेशन के केस में जो काइनेटिक एनर्जी होती है वो होती है हाफ आई रोटेशन इनटू ओमेगा स्क्वायर। तो हाफ आई हिंज, इसमें रोटेशन एक्सिस हिंज वाली होगी, इनटू ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर, ठीक ना। सेकंड, अगर हिंज नहीं है तो आप यूज करेंगे बेटा सेंटर ऑफ मास, आप यूज करेंगे बेटा सेंटर ऑफ मास। तो क्या लिखेंगे बेटा? वर्क डन बाय ऑल द टॉर्क्स अबाउट सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू हाफ आई सी एम ओमेगा फाइनल स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल स्क्वायर। यहां पे आई हिंज, यहां पे आई सी एम, आई हिंज एंड आई सी एम, दैट इज हाउ वी कैन राइट हिंज सेंटर ऑफ मास। ऑलराइट, ऑल क्लियर। चलो भैया बहुत बढ़िया, बहुत बेहतरीन, हमने ये बातें सीख ली हैं। अब इनके ऊपर करते हैं हम एप्लीकेशन। एक क्वेश्चन लेते हैं जिसको हम लगाएंगे वर्क एनर्जी थ्योरम से भी और वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर रोटेशन से भी, ठीक है। उससे हमारा आंसर मैच होगा, हमें कॉन्फिडेंस आ जाएगा, ठीक है ना, कि हम जो कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। टिंग 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 टिंग। तो एक हमारे पास डिस्क है मास एम रेडियस आर की, इसके ऊपर धागा लपेटा हुआ है, सेंटर को बांध रखा है, धागा जहां पे जा रहा है एक एंड जहां पे जा रहा है और फोर्स एफ से खींच रहे हैं, एच डिस्टेंस हमने उसको पुल कर दिया। एच डिस्टेंस पुल करने के बाद ठीक है हम जानना चाह रहे हैं फाइंड ओमेगा ऑफ द डिस्क, फाइंड ओमेगा ऑफ द डिस्क कि डिस्क का ओमेगा कितना होगा। पुल करने के बाद डिस्क का ओमेगा कितना होगा ये हम निकालना चाह रहे हैं, ठीक है बच्चा। ओके ओके डोके ओके, कैसे निकालेंगे इसको? तो पहला वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। तो कहता है वर्क डन बाय ऑल द फोर्स, तो फोर्स का बटन कितना है बेटा? एफ इंटू एच, फोर्स एफ इंटू एच। अब जो एमजी लग रहा है, जो हिंज फोर्स लग रहा है बेटा, वो चल ही रहा, कुछ भी मूवमेंट ही नहीं यहां पर, तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, ठीक है ना। यहां तो कोई मूवमेंट ही नहीं है, एफ इंच कोई मूवमेंट ही नहीं है यहां पर, तो यहां तो कोई वर्क डन होगा ही नहीं ना, केवल वर्क डन कहां होगा? इसी एफ का होगा, एफ इंटू एच। ये वर्क डन कहां गया बेटा? इसकी काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज करने में गया, तो इसके पास केवल रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी है, तो कितनी आएगी? हाफ एम आर स्क्वायर बाई टू इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। फ्रॉम हियर वी कैन इजीली कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ ओमेगा, दैट इज अंडर रूट ऑफ फोर एफ एच बाई एम आर स्क्वायर, दैट इज द वैल्यू ऑफ ओमेगा, राइट। नाउ इफ आई से व्हाट इज वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर रोटेशन, वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर रोटेशन लगाते हैं, तो उसके लिए हमें पहले टॉर्क निकालना पड़ेगा, फिर उस टॉर्क का वर्क डन निकालना पड़ेगा। तो व्हाट इज टॉर्क? टॉर्क इज गोइंग टू बी एफ इनटू आर, फोर्स कितना बेटा? एफ है, डिस्टेंस कितना? आर है, तो टॉर्क कितना हो गया? एफ इनटू आर हो गया। अब कितना एंगल घुमा? तो देखो बेटा, जब आप इसको नीचे लेकर आओगे ना तो यह घूमेगा, तो बेटा घूमेगा ये घूमेगा, तो मान लिया थीटा एंगल घूम गया। थीटा एंगल घूमने पर जो ये वाला पॉइंट था वो घूम के यहां आ रहा होगा, और अगर ये डिस्टेंस की बात करें तो बेटा ये डिस्टेंस होगा r इंटू थीटा।
हमारे पास ये आर है, ये थीटा है, तो आर इंटू थीटा ये डिस्टेंस होगा। और जब ये पॉइंट घूम के यहां आएगा ना, जब ये वाला पॉइंट घूम के यहां आएगा, इतना धागा नीचे आ जाएगा, इतना धागा नीचे आ जाएगा, मतलब एच डिस्टेंस नीचे आ रहा है, एच के लिए कितनी बेटा आर थीटा है, ठीक है, ये डिस्टेंस कितना नीचे आया, एच नीचे आया तो कितना है आर थीटा, तो एच इक्वल्स टू आर थीटा बोल सकते हैं। इसका मतलब थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, एच बाय आर हो गई, मतलब जब आप इसको एच डिस्टेंस नीचे खींचोगे तो ये एच बाय आर एंगल घूम जाएगा। तो व्हाट इज द वर्क डन बाय टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास कह लीजिए या हिंज कह लीजिए, तो इस बार दोनों बार तो एक ही इस बार इस केस में, तो ठीक है ना, तो हम क्या बोलेंगे यहां पे, टॉर्क कितना है एफ इंटू आर, एंगल कितना है बेटा, एंगल कितना है हमारे पास एच बाय आर, इक्वल्स टू रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी का चेंज, जो बेसिकली यही है हमारे पास, इनिशियल जीरो है, हाफ एम आर स्क्वायर बाई टू, दैट इज आई इंटू ओमेगा स्क्वायर, आई हिंज इंटू ओमेगा स्क्वायर, ठीक है ना, आर से आर कट रहा है, आप देखें ओमेगा की वैल्यू वही आ रही है, अंडर रूट ऑफ फोर टाइम्स एफ एच बाय एम आर स्क्वायर, ठीक है, चलो समझ गए, एनी परेशानी नहीं। तो बेटा आज हमने बहुत सारी बातें करी हैं, ठीक है, वी टॉक्ड अबाउट कि काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी क्या होती है, ट्रांसलेशन के केस में क्या होगी, ट्रांसलेशन प्लस रोटेशन के केस में क्या होगी, पार्टिकल के लिए क्या होगी, रिजिड बॉडी के लिए क्या होगी, फिर कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी रोटेशन में कैसे लगेगा, फिर टॉर्क का वर्कडन कितना होता है, फिर हमने बात करी कि वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर रोटेशन क्या होता है, कैसे वो लगेगी, कैसे वो काम करेगी, तो बहुत सारी बातों को हमने आज बेटा सीखा है। हो सकता है कि आपको थोड़ा सा टाइम लगे सारी चीजों को ग्रास्प करने के लिए, तो हो एक बार देखें, दो बार देखें, अब तो आपके लेक्चर है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इतनी बारी बार देखना देखते रहिए, आपको दिक्कत बात नहीं है, ठीक है ना, बट बढ़िया से पढ़े सीखें इसको, आज के लिए बेटा इतना ही काफी है, पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, बी अ गुड ह्यूमन बींग, मिलेंगे अगली क्लास में, सी यू डाटा, बाय बाय, पढ़ाई करते रहें, ऑल द वेरी बेस्ट।